नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। हमेशा से ही विवादों में रहने वाला जिला पंचायत पौड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार बीजेपी के ही जिला पंचायत सदस्य थेर गौरव रावत ने जिला पंचायत पौड़ी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों थेर गौरव ने जिला पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि जिला पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जांच करवाएं और इसमें शामिल सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने कहा कि अगर ज्ञापन देने के बाद जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों में नहीं होती है तो वह क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। साल 2022 में उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में बेहिसाब धांधली देखने को मिली थी, तो वहीं इस साल भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली होने के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। युवा कांग्रेस के नेता वैभव वालिया और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने रविवार को हुई कनिष्ठ सहायक लिखित परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पेपर में अलग सेट भले ही बनाए गए थे, लेकिन परीक्षा के सभी सेट एक जैसे थे। यहां तक कि सभी सेट में एक ही क्रम में सवाल भी पूछे गए थे। कांग्रेस का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को एक जैसे सेट मिलने से ये आशंका बनती है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। आपको बता दें कि तमाम धांधलियों के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार का पुतला भी दहन किया गया। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, साथ ही आयोग और तमाम भर्ती परीक्षाओं की जल्द से जल्द सीबीआई से जांच करवाई जाए। शर्म आनी चाहिए आयोग के अध्यक्ष को भी, आयोग के सचिव को भी, जिन्होंने बिना हस्ताक्षर का अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। अब जल्दबाजी देखिए ना आप, एक तो प्रश्न पत्रों को बनाने की जल्दबाजी और दूसरा कल प्रेस वालों को विज्ञप्ति जारी करने की जल्दबाजी कि उसमें सिग्नेचर करना भूल चुके हैं सचिव जी। चोरी ऊपर से सीना जोरी शायद इसी को कहते हैं कि एक तो आप प्रश्न पत्रों में इतनी गंभीर त्रुटियां करोगे और उसके बाद प्रदेश को बताओगे कि कोई नकल नहीं हुई, यानी कि वो इसको अपना एक फेदर इन द कैप समझ रहे हैं कि लो भैया इस बार कोई नकल नहीं हुई, इस बार कोई परीक्षा केंद्र से शिकायत नहीं आई, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। गड़बड़ झाला हम तो कहीं नहीं रहे, हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये पेपर लीक हुआ है या पेपर में नकल हुई है। ये तो अब धीरे धीरे और शिकायतें भी आ रही है प्रदेश भर से, लेकिन कल सिर्फ देहरादून में जो परीक्षा केंद्र थे उनकी ही बातों से ये पता चला कि जो चार सेट आपके द्वारा बनाए गए उसमें ना प्रश्नों का हेर फेर था, ना शब्दों का हेर फेर था, ना ऑप्शंस में कोई बदलाव था और ना उनके क्रमांक में कोई बदलाव। हम सबको इस बात की जानकारी है कि उस पेपर में भी जिस तरह से पहले बार बार पेपर लीक हो रहा था, बार बार जो है परीक्षाएं कैंसिल हो रही थी और इतना मामला ये परवान चढ़ने के बाद भी जो पेपर हुआ है उसके चारों सेटों में सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का पैटर्न सेम रहा है। आम तौर पर इनमें भिन्नता होती है, आम तौर पर या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं नहीं तो उनके आंसर्स लेफ्ट राइट किए हुए होते हैं ताकि चीटिंग ना की जा सके। उसका एकमात्र कारण यह होता है कि कोई रट्टा मार के ना आए, किसी को पहले से ना पता हो कि भैया 100 क्वेश्चंस के ये आंसर हैं, तेरे को पहले में ए लगाना है, दूसरे में बी लगाना है, इसलिए उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। इस बार ये देखने को नहीं मिला है, जिससे छात्रों के बीच में उनके मन में संदेह है और हम इस बात को लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत दुखी हैं कि हमारी सरकार एक अदद पेपर ढंग से नहीं करा पा रही है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने आज ये पत्रकार वार्ता की है और मांग किया है कि भैया दोबारा से सीबीआई जांच की जो छात्रों की मांग है उसको हम पुनः उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह को लेकर उठा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून में एलआईसी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी को लेकर जसविंदर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अडानी को लाभ पहुंचा रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार बताए कि एलआईसी को कितने अडानी के शेयर में निवेश के लिए कहा था।
मोदी सरकार की जो गलत नीतियों के खिलाफ आज हमें विवश होना पड़ा है यहाँ बैठने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है उस दिन से अडानी के जो शेयर्स हैं वो डाउन हुए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये सारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। और उन्होंने ये भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ये बहुत बड़ी एक रिसर्च कंपनी है, फाइनेंस रिसर्च कंपनी है, उसने बोला है कि अडानी कई वर्षों से स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड अकाउंट्स प्रिपेयर करके अपनी संपत्ति बहुत ही कम समय में उसने बढ़ाई है। हमारा कहना यह है जब LIC SBI का एक मेजर पोर्शन किसके दबाव में उसको दिया गया है और जब लॉस हो रहा है वो लॉस एक आम व्यक्ति का है, क्योंकि LIC SBI में एक आम निवेशक पैसा इन्वेस्ट करता है और नुकसान एक आम व्यक्ति का है और अब उसके पास फिर दबाव बनाया जा रहा है और वहां से लोन देने का, तो वो कौन व्यक्ति है जो दबाव बना रहा है। उधर चमोली जिले की जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लक्ष्मण रावत कोटली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं। इस्तीफे के बाद लक्ष्मण रावत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। माना जा रहा है कि बहुत जल्द लक्ष्मण रावत बीजेपी का दामन थामेंगे। जहां तक मेरा इस्तीफा का सवाल है, आपने विगत 2-3 दिन पहले सुना होगा कि जिला पंचायत में मेरे खिलाफ अविश्वास आया और वो अविश्वास माननीय वहाँ की विधायक राजेंद्र भंडारी जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो माननीय सदस्यों को बहला फुसला कर, उनको प्रलोभन देकर वो अविश्वास लाए मेरे खिलाफ। तो मैंने आज इस शुभ अवसर पर इसलिए ये फैसला लिया कि जो गंदगी है उस गंदगी को त्याग कर मैं आज इस होली के पावन बेले पर उस पार्टी को ही त्याग दूंगा जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। उधर देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गणेश जोशी ने गढ़वाली गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं होली मिलन समारोह में तमाम भाजपाई इस दौरान नजर आए। होली पर्व के नजदीक आते ही जगह जगह पर होली कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामनगर में भी देवभूमि मीडिया क्लब ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मीडिया क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए रामनगर में मीडिया क्लब की स्थापना को लेकर आ रही तकनीकी कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। इस बीच कार्यक्रम में शामिल लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए आपसी सौहार्द के साथ पर्व को मनाने की अपील की। मैं मीडिया क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस होली मिलन कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने के लिए निमंत्रण किया था। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और एक आज जो होली मिलन का कार्य, रंगों का जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम होली मनाएं, रंगों की होली मनाएं, सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और एक अच्छी होली खेलें जिससे एक अच्छा संदेश जाए। मैं उसके लिए मीडिया क्लब का, सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों के माध्यम से जो ये मिलन कार्यक्रम किया है, ये संदेश लोगों में भी जाए कि एक अच्छी होली हम लोग सब मनाएंगे। सबको मैं शुभकामनाएं भी। और होली नजदीक आते ही बच्चे हों या बूढ़े या फिर जवान, सभी लोग एक दूसरे पर गुलाल डालते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलाल का शरीर के ऊपर काफी प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि खास करके अगर बच्चों की बात करें तो वो लोग खुले में बिकने वाले रंगों का एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते दिखाई पड़ते हैं जो अक्सर केमिकल युक्त होते हैं, जबकि त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के CMS ने जानकारी देते हुए बताया कि होली में रंग खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए डॉक्टर ने इस दौरान क्या कुछ कहा।
तो रंगों से परहेज भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में जो रंग आते हैं उसमें कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। प्राकृतिक रंगों के साथ ही होली का ये त्यौहार मनाएं। होली नज़दीक आते ही बच्चों की बात की जाए या फिर बूढ़ों की बात की जाए या जवानों की बात की जाए, सभी एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंगों का हमारे शरीर के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और ख़ास करके अगर बच्चों की बात की जाए तो वो लोग खुले में बिकने वाले रंगों का एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, जो अक्सर केमिकल युक्त होते हैं और ये हमारी त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामला देवाल विकास खंड के सरकोट वन और वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का है। मामले में वन विभाग के पत्र का हवाला लेते हुए उपजिलाधिकारी ने एसडीओ और डीएफओ से पत्राचार करते हुए मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकोट वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया था। वहीं वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान के साथ ही जंगल में आग का मामला भी सामने आया था, जिसमें कई छोटे पौधे भी आग की भेंट चढ़ गए थे। थराली उपजिलाधिकारी रविंद्र ने मामले का संज्ञान लेते हुए वन आवश्यक कार्रवाई के निर्देश इस दौरान वनकर्मियों को दिए हैं, जिससे जांच में ये साफ हो सके कि आखिरकार पेड़ों की कटान की अनुमति किसके स्तर पर दी गई और वनीकरण क्षेत्र में आग के क्या कुछ कारण थे। कुछ दिनों पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया, एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें बताया गया कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहाँ पे पाए गए हैं। तो जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो एस डी हैं इसको इसमें जांच हेतु लिख दिया गया है। हम अपने विभाग से भी राजस्व विभाग से भी उसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसे मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वैसे करेंगे। इन दिनों फूलों की घाटी आम पर्यटकों के लिए बंद है। यहाँ पर इन दिनों बर्फबारी के चलते दुर्लभ प्रजाति के जानवर निचले स्थानों पर लौट आते हैं। सुरक्षा के लिहाज से फूलों की घाटी प्रभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का गश्ती दल समय समय पर घाटी के लिए निरीक्षण के लिए जाता है। इन दिनों भी टीम निरीक्षण करने के लिए गई थी, लेकिन रास्ता खराब होने के बाद आधे रास्ते से वापस लौट आई। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला अधिकारी ने जिले में अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों संग मीटिंग कर जिले में अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों के अधिकारियों को विभागीय भूमि में हुए अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए और साथ ही बड़े स्तर पर अतिक्रमण अभियान चलाए जाने को कहा। इसके साथ ही यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे स्थानों को भी चिन्हित करते हुए अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकारी कोई भी हो अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें देखें शासन के निर्देश पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उन लोगों से ये सूचना मांगी गई है कि आपकी जमीन पे कितना अतिक्रमण है, क्योंकि इस अतिक्रमण की वजह से भविष्य में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो शासन के निर्देश हैं, तो इसी क्रम में जितने भी अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था और समस्त अधिकारियों से हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर जितनी भी अतिक्रमित भूमि है उसकी सूचना हमें दे दें ताकि हम समय से उस अतिक्रमण को हटा सकें और भविष्य में शांति व्यवस्था की स्थिति से। और उधर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाला दून अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं बल्कि स्टाफ की कमी नजर आ रही है। कई नर्सिंग स्टाफ दून अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल और मरीज दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले कोरोना काल के दौरान दून अस्पताल में बड़ी तादाद में नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करवाई गई थी। वहीं इन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी बुलाया जा रहा था, लेकिन कोविड संक्रमण के कम होते ही सभी कर्मियों को अस्पताल द्वारा पदमुक्त कर दिया गया, जिसके चलते ये कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए थे। अब भी नर्सिंग कर्मियों को दून अस्पताल में अस्थायी पद पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ पर नौकरी खोने का संकट मंडराता रहता है। ये कर्मचारी अब दूसरे अस्पतालों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। देखिए, नर्सेस की शॉर्टेज मुझे लगता है कि
प्रायः पूरे देश में अलग अलग संस्थानों में अलग अलग अस्पतालों में है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो हम लोगों की प्लानिंग रही है वो डॉक्टर्स के ऊपर केंद्रित रही है। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पिरामिड होता है वो टॉप हैवी पिरामिड होता है, यानी कि डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है और पैरामेडिकल स्टाफ की कम होती है, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ का उतना ही योगदान होता है जितना डॉक्टर्स का। दून अस्पताल की तुलना में निजी अस्पताल अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधा और वेतन दे रहे हैं, वहीं दून अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ कम वेतन में काम करने को तैयार नहीं, जिसके चलते दूसरे निजी अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारियों की दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि नर्सेस को बेस्ट यूटिलाइजेशन उनका कर सकें, जहाँ जहाँ जो वार्ड्स भरे हुए हैं, जो डिपार्टमेंट्स में बेड ऑक्युपेंसी ज़्यादा है वहाँ उनका ज़्यादा उपयोग करें। लेकिन आपकी बात वाजिब है कि नर्सेस की कुछ हद तक तो शॉर्टेज है। कर्मचारियों की कमी की वजह से दून अस्पताल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से मुहैया नहीं करवा पा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक वाई रिजवी ने भी इसे कबूल किया है। वहीं उनका कहना है कि आने वाले कुछ समय में राज्य सरकार नर्सिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकालने वाली है, जिसके बाद ही अस्पताल की ये परेशानी दूर हो जाएगी। APN न्यूज के लिए आलोक सेमवाल की रिपोर्ट। और उधर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। साथ ही होली वाले दिन पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क बंद रहेगा। साथ ही पार्क प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारी 10 मार्च को होली मनाएंगे। पार्क प्रशासन का मानना है कि होली के हुड़दंग को देखते हुए वन्य जीव तस्कर अपनी नजरें पार्क पर गड़ाए रहते हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की ओर से सत्र 2023-24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों को लेकर कर्नल मुनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो 15 मार्च तक चलेंगे। नए नियम के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा पहले होगी। परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। उधर हरिद्वार के पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों ने होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। महिला पुलिसकर्मियों ने गुलाल लगाकर होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने इस दौरान जमकर डांस किया। वहीं इस मौके पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें सभी महिला पुलिसकर्मियों और उनके परिवार वालों का मेडिकल जांच कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।